मैं आज सुबह अग्नि 5 मीर्व नामक एक नए मिसाइल के भारत द्वारा परीक्षण के बारे में समाचार पढ़ रही थी। मुझे मीर्व का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप हमें इसके बारे में समझा सकते हैं? हमरा को रिक्वेस्ट है, वही पढ़ाइए ना तो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, तुम टकाटक सीधे क्वेश्चन वाइज हम पेपर में छपल देखे। चिंटू तुम एक काम करो, डायरेक्ट टकाटक क्वेश्चन तो जेपीएससी में आता है, एग्जाम के एक दिन पहले तुम वही पे अपना जुगाड़ लगाओ। तनु यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है, MIRV का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। चलो इसे अलग अलग समझते हैं। MIRV मिसाइल केवल एक वायहेड ले जाने के बजाय कई वायहेड लेकर चलती है, जिनकी संख्या कुछ से लेकर एक दर्जन तक हो सकती है। प्रत्येक वायहेड को एक छोटी मिसाइल के रूप में देखें। इनके पास सैकड़ों किलोमीटर दूर एक विशिष्ट स्थान को लक्ष्य करने के लिए उनके स्वयं के मार्गदर्शन सिस्टम होते हैं। जब मिसाइल अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो ये वायहेड अलग हो जाते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अत्यधिक गति से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान उत्पन्न होने वाली भारी गर्मी और घर्षण का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब एक साथ कैसे काम करता है? यात्रियों के साथ स्कूल बस की कल्पना करें। यह एक निश्चित रूट पर चलती है और फिर यात्री अपने अपने गंतव्यों पर उतर जाते हैं। MIRV के मामले में मिसाइल ही बस है। इट फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी और फिर सही बिंदु पर यात्री यानी परमाणु वारहेड अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अब कई वारहेड्स की अवधारणा को समझ गई हूँ। लेकिन इसे रीएंट्री व्हीकल क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये वारहेड अंतरिक्ष में लगभग बिना किसी वायुमंडल वाले क्षेत्र में मिसाइल के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन इनका काम तो पृथ्वी पर बने लक्ष्यों को निशाना बनाना है। इसका मतलब है कि उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये अत्यधिक गति के साथ नीचे की ओर आते हैं, इन वायहेड को अत्यधिक घर्षण और गर्मी का सामना करना पड़ता है। इन्हें इस तेज सफर को सहने के लिए विशेष ताप प्रतिरोधी कवच और सामग्री के साथ बनाया गया है, इसीलिए इन्हें री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। अरे मन बुद्धि बालक, रॉकेट पे अपना दिमाग भी बांध के उड़ा दिए थे का? इसको इग्नोर कीजिए सर, एक बात बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इससे इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ेगा? न्यूक्लियर डेटरेंस विचार एक गंभीर तर्क पर आधारित है। यदि दोनों पक्षों के पास विनाशकारी शक्ति से प्रतिशोध लेने की क्षमता है तो कोई भी पहले परमाणु युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाएगा। यह विचार आतंक का संतुलन या म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि MAT के रूप में भी जाना जाता है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल इस खतरे को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। MIRV एक मिसाइल से कई स्वतंत्र रूप से लक्ष्यीकरण योग्य वायहेड ले जाने की तकनीक है। MIRV के कारण यहां तक कि एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी एक ही लॉन्च से आने वाले कई वायहेड के कारण इनफेक्टिव हो सकती है। इसके अलावा MIRV दुश्मन को केवल एक लक्ष्य के बजाय कई लक्ष्यों से बचाव करने के लिए मजबूर करते हैं। लेट्स सम अप कि MIRV के कारण न्यूक्लियर डेटरेंस विचार अधिक विश्वसनीय क्यों बन जाता है। फर्स्ट, अधिक प्रहार क्षमता। MIRV के साथ एक देश कम मिसाइलों का उपयोग करते हुए भी अधिक दुश्मन ठिकानों पर हमला कर सकता है। सेकंड, विस्तारित रेंज। MIRV लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे दुश्मनों के लिए बचाव करना अधिक कठिन हो जाता है। थर्ड, इनइफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम। MIRV मिसाइल रक्षा प्रणालियों को कम प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ कई वारहेडों को रोकना होगा। फोर्थ, कई लक्ष्य। MIRV दुश्मन को एक साथ कई खतरों से बचाव करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बचाव करना अधिक कठिन हो जाता है। सर ये तो बहुत खतरनाक लगता है, और नाम भी कैसा है, MAD, मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इस तरह से तो बहुत ज्यादा आर्म्स रेस बढ़ जाएगा, राइट सर? तुम बिल्कुल सही कह रही हो तनु, यह एक विरोधाभास है। परमाणु हथियार एक स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें बड़े जोखिम भी होते हैं। इसके अलावा MIRV जैसी तकनीक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को कम प्रभावी बना देती है। एक ही मिसाइल से कई वॉयहेड छोड़ने के साथ दुश्मन के रक्षा तंत्र को रोकना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। जब एक देश नए हथियार विकसित करता है तो दूसरे देशों को भी जरूरत महसूस होती है। यह एक खतरनाक और महंगी हथियारों की दौड़ में बदल सकता है, जहां हर कोई बड़ा और अधिक विनाशकारी शस्त्रागार बनाता है। जटिल परमाणु प्रणालियों के साथ हमेशा कोई दुर्घटना, गलत हिसाब किताब या तकनीकी त्रुटियों की संभावना रहती है, जिससे आपदाएं हो सकती है। इसके अलावा एक बार विकसित होने पर परमाणु हथियार बनाने की तकनीक अन्य देशों या गैर राज्य समूहों तक फैल सकती है, जिससे दुनिया बहुत अस्थिरता फैल सकती है।
सर एक सब खत्म कीजिए ना, हमको सर आईपीएल देखने में जाना है। सोच रहा हूँ कभी कौन सा आईपीएल है, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ है। नहीं सर वो वाला आईपीएल नहीं है, इंडियन प्रीमियर लीग वाला सर, बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल है, 5 साल में इंडियन पॉलिटिकल लीग सर। एकदम बहुत मजा आता है क्रिकेट से भी ज्यादा सर, बिग बॉस से भी ज्यादा। बिग बॉस में उतना सर तमाशा नहीं होता जितना सर ये वाला आईपीएल होता है सर। पिछला बार 2019 में हुआ था इंडियन पॉलिटिकल लीग, बहुत मजा आया था उसमें सर, हम लड़का थे छोटा बच्चा थे, अभी तो सर समझदारी बढ़ गया, बहुत मजा आता है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है, लेकिन तनु तुम्हारे सवालों ने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी संभावित लाभ और गंभीर जोखिम दोनों के साथ एक जटिल मुद्दा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में सभी देशों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करना है।